नमस्कार दोस्तों, मैं योगी और अब हम अपनी तीर्थ यात्रा के चौथे पड़ाव जो कि सीतामढ़ी था, वहाँ से अब पांचवें पड़ाव की तरफ जो कि प्रयागराज है स्नान। अब हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो मिलते हैं प्रयागराज में। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ प्रयागराज में और हमारी बस पहुँच चुकी है प्रयागराज। अब हम जा रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही मौसम गर्म सा हो रखा है। ये देखिए, अभी मैं आपको प्रयागराज दिखाता हूँ। सामने देखिए, लोग जा रहे हैं प्रयागराज हमारी बस के, और ये प्रयागराज की तरफ ये बगल में किला है। ये अभी देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, किला है ये बगल में। और हम लोग उस तरफ से आ रहे हैं, और ये जो बड़ा सा मैदान दिख रहा है, यहीं पे जब कुंभ और अर्धकुंभ लगता है तो यहीं पे लोगों के ठहरने की व्यवस्था की जाती है। ये मेला क्षेत्र है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज संगम के निकट गन्ने के जूस का आनंद ही कुछ और है इस गर्मी में। और मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त गंगा के किनारे पे। देखिए सामने बोट लगी हुई है, और यहाँ से हम बोट पकड़ के अब हम जाएंगे बीच संगम में। तो चलिए हमारे साथ। ये देखिए पूरी टीम यहाँ पे खड़ी। यहाँ पर बहुत सी बोटें लगी हुई थी, उन बोटों में बैठकर हम लोग संगम तक गए। देखिए सामने, देखिए कितनी सारी बोट लगी हुई हैं। एक बोट में 8 से 10 सवारियों को बिठा रहे थे। ये देखिए, इस वक्त हम बैठ चुके हैं गंगा ये दर्शन के लिए। ये देखिए देखिए, अभी से होली। गंगा मैया की जय, की जय। गंगा मैया की जय। और अब हमारी बोट आगे चल रही है। देखिए एक एक करके सारी बोटों को धक्का मार के निकाल रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक लाइन से लगी हुई थी बोटें, और इसके आगे भी बोट काफी लगी हुई है। देखिए देखने कैसे बड़ी मुझसे जगह बना बना के निकाल रहे हैं। जो आगे एक बोट फंसी पड़ी है अभी। मैया की जय। ये चाबी किस चीज की है? जैकेट की है। देखिए सब जैकेट पहनते हुए। प्रयागराज संगम में गंगा यमुना व सरस्वती का संगम होता है। हालांकि सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, पर लोगों की मान्यता है कि अदृश्य रूप में होकर गंगा व यमुना की धाराओं के नीचे बहती है। आपका नाम क्या है? आपका नाम है बच्चा? वेदांत। कौन सी क्लास में हो? सेकंड बी। स्कूल का नाम? सीनियर श्री राम मॉडल हाई स्कूल। मैया की जय। सरस्वती माता की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। बैठे हुए हनुमान जी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। ये जल देख लो, गौर से हरा दिख रहा है, वहाँ आपको पीला जल दिखेगा गंगा जी का, जहाँ चल रहे हैं। ये सब सरस्वती माँ इसी प्रकार गुप्त है। जैसे हम आप बोलते हैं सुनाई तो पल्ला दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे ही सरस्वती माँ का नाम चलता है। अगर इसी बात को प्रैक्टिकल में देखो तो जैसे लेडीज लोग माँ बहन बेटी लोग छोटी बनाती है, 3 भाग करके कंप्लीट करती है, तो 2 भाग दिखता है, बीच वाला खो जाता है। तो इसको बोलते हैं वेणी, और ये है त्रिवेणी जहाँ हम लोग चल रहे हैं। ऐसे ही सरस्वती मैया नीचे नीचे बहती है पर दिखाई नहीं देती है। ये राजा अशोक सम्राट का किला है जहाँ नाव में बैठे, इसका नींव अशोक ने डाला। ये देखिए इसको अकबर बादशाह ने किया। इसको देखते हैं प्रयागराज, ये सारे तीर्थों का राजा है प्रयागराज, और इनके गुरु हैं पुष्कर राज जो राजस्थान में है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह उनका मंदिर है पुष्कर। दूसरा काशी में होता है, वो नाभी है चरण गया जी, गया में सीता माँ ने किया था।
और अब हम पहुंच चुके हैं जो कि यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है, प्रयागराज संगम। जी हाँ, यही मनोरथ, सारे मनोरथ संपूर्ण के लिए, संपूर्ण के लिए अच्छे भाव से तीनों मैया का नजर भेंट में श्री फल अर्पण करते हैं। आपका नाम माता जी, आपकी गोत्र क्या है? पूजा करवाई है इन्होंने यहाँ पे, और ये संगम में स्नान करते हुए, ये जो है इस वक्त हम ये बिल्कुल संगम है, सामने उस तरफ से गंगा आ रही है, वो देखिए गंगा, इसका इसमें देखिए मैं इस वक्त संगम में, और इस वक्त ये उधर से आ रही है गंगा, और वो देखिए उस तरफ से यमुना, यमुना और गंगा के बीच का ये बिल्कुल पार्ट है, इसे कहते संगम। यहाँ देखो लाइन से बोट लगी हुई हैं, ये सामने लाइन से बोट्स हैं, और मैंने प्रयागराज संगम में स्नान कर लिया है। आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ पूरा प्रयागराज संगम। जी हाँ, ये जो जिसमें मैं खड़ा हूँ ये एक बोट है जो कि फिक्स्ड है, मतलब ये बोटें बीच में खड़ी रहती हैं। जो हमारी बोट जो जिसमें हम बैठ के आए हैं वो इस बोट पे हमें छोड़ देती है, और यहीं पर पूजा पाठ और स्नान सब कुछ यहीं पर होता है। देखिए उस तरफ एक तरफ गंगा और एक तरफ यमुना, और यहाँ पे पानी भी ज़्यादा गहरा नहीं होता है, मतलब बीच का जो भाग है गंगा और यमुना के बीच का जो संगम का भाग है वह गहरा नहीं है। यहीं पे लोग अपना तर्पण पूजा पाठ और स्नान करते हैं। पानी ये देखिए सामने देखिए, ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, केवल कमर से नीचे तक का पानी है। इसी नाव में जिसमें हम खड़े हैं इसी में लोग कपड़े बदलते हैं तथा और स्नान और पूजा पाठ करने के बाद देखिए हमारी बोट सामने खड़ी है, ये देखिए, और इससे फिर हम वापस अपने किनारे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने आधा पौना घंटे के करीब स्नान पूजा पाठ आदि किया। लगा रहे हैं सारे जोर लगा रहे हैं, अभी जाएगी बस, घूम गई चलो। जैसे कि बताया गया था कि जो सरस्वती है वह गंगा और यमुना की धाराओं के नीचे बहती है, इसीलिए यहाँ का संगम स्थल को त्रिवेणी संगम कहलाता है। त्रिवेणी संगम के धार्मिक महत्व के बारे में ऐसी धारणा है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तब देवता लोग इस अमृत कलश को असुरों से बचाने के प्रयास में लगे हुए थे। इसी खींचातानी में अमृत के कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी। जहाँ जहाँ भी यह बूंदें पड़ी उस स्थान को कुंभ का मेला लगता है। वह स्थान उज्जैन, हरिद्वार, नासिक व प्रयाग है। यमुना वहाँ से आ रही है, यमुना इस तरफ से आ रही है, गंगा संगम में अमृत की बूंदें छलकी थी। इसी कारण लोगों का विश्वास है कि संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, वह स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु लोग इस पावन तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ आते हैं। देखो किनारा नजदीक आ गया है, नाव लग जाएगी, एक एक लोग आराम से उतरना है, कोई जल्दबाजी नहीं। संगम में स्नान करने के बाद अब हम लोग किनारे की तरफ पहुँचने वाले हैं, और इस तरह हम लोगों ने संगम में डुबकी मारी और ये अब हम किनारे में पहुँच चुके हैं। अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे प्रयागराज के मशहूर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद।